ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਲਵਾ ਪਠਾਨ 150 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 17-15 ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਹਣੇ आपने छोटे बंदों को भी यहाँ कहते हो चिबड़ बस कर मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्बास रॉय और आप देख रहे हैं स्कोप 360। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसको आप पहचान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और आज जो शख्सियत पहचान पाकिस्तान बनेगी आप सारे लोग उनको जानते हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के भंगड़ा स्टार हैं मलकू। आज हम लोग मौजूद हैं सरगोधा की सरजमीन पर। जैसा कि सरगोधा जो है वो इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ के जो किन्नो हैं, यहाँ के जो माल्टे हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और माल्टों और किन्नों से भी जो ज़्यादा मशहूर शख्सियत हैं उनका नाम है मलकू। मलकू इसी गांव में पैदा हुए, इसी शहर में पैदा हुए और आज हम लोग उन्हीं के फार्म हाउस के बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर भी जा रहा है, पीछे भैंसें भी आपको नज़र आ रही हैं और साथ साथ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये सारी बेशुमार चीज़ें आपको दिखाएँगे। पैसेज ऑफ द टाइम हम मलकू साहब से जब मिलेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे और उनका फार्म हाउस पूरा घूमेंगे, उनके यहाँ पर खेत हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आज आप मज़ा करेंगे मेरे साथ और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रेन की पटरी है यहाँ पर, टिपिकल जो ट्रेन होती है ये बिल्कुल मलकू साहब का जो फार्म हाउस के और उसके बाहर ना ट्रेन है जो इस्लामाबाद से कराची से एक दिन में आई थिंक सो के एक ही ट्रेन गुजरती है। हमने उस ट्रेन की पटरी के ऊपर बैठना है, हमने खूब चिल करना है, इंजॉय करना है और मलकू साहब हमारे साथ होंगे। तो आज आपने खूब चिल करना है और मेरे साथ रहना है क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इससे पहले कि आप मज़ीद कहीं और जाएं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ पाकिस्तान में तो हमें लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बिकॉज जो मेरा प्रोग्राम है वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होता है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रीड की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जो लोग हमें अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में या यूके में देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमसे मोहब्बत करते रहें। आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं पाकिस्तान के भंगड़ा स्टार जनाब मलकू से। आइए मेरे साथ। Organic, real organic. Melon smallest dew. Melon so this world. Is the small, the world's smallest melon dew. In the world. Please. In the world. This is the actual size of the scope smallest. Scope 360 has come all the way from Canada to Lahore, to the Pind, so they can show you this stuff. This is all organic. And I'm going to attempt to eat it too. It's very delicious. It's really good, yeah.
ये ऑर्गेनिक है और बड़ी मोटी जंगली वो तो आर्ट इज ऑर्गेनिक वीड या वेरी पॉपुलर अच्छा पाकिस्तान में भी लीगल हो रही है या इट्स नॉट लीगल हियर बट इट्स लीगल इन कनाडा इट्स राइट हियर एंड सो दिस इज sugar canes this whole field on this side is sugar canes and then you have your corn on your right all organic these fields stretch all the way to the jungle yeah, if you put the camera to the jungle side there are organic wild animals there's organic wild animals black, in that jungle the black one pigs no? they have the black boars yeah black boars black pigs and it's all wildlife past this jungle stretches miles and miles across this land and this is the farmhouse and these are all crops aaj kaisa laga aapko hamari ceo sahab canada se aayi hui hain aur khoob humne chill kiya enjoy kiya to aap kya kahenge mujhe to like aise lag raha hai ki bade arse se hum log jante hain mama ji aur shah ji aap sare aur लाइक फैमिली मतलब जब से हमारी मुलाकातें स्टार्ट हुई है लॉन्च पे भी तो ऐसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपके करीब आ जाते हैं बिल्कुल आपको ना अच्छा लगता है अच्छी वो दिल से दिल कुछ राय मिल जाती है अच्छी वाइब्स आती है और अच्छे लगते हैं दिल से होते हैं सच्ची मैडम आप ये बताइए कि आप मलकू साहब से मिली हैं दो तीन दफ़ा चार दफ़ा मुलाकात हुई है मलकू साहब आपको कैसे लगे बीइंग इंसान आई थिंक ये जो है माशाल्लाह 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 इज अ वेरी वेरी हम्बल मैन है वेरी डाउन टू अर्थ काफ़ी सेलिब्रिटीज से मिलना जुलना होता है लेकिन इनसे मिलके जो है वो मैं कहूँगी कि मुझे एक भाई जो है मिला है एक फ्रेंड मिला है तो मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपकी बात तो कि मामा का भी क्योंकि तल्लक बेसिक इनके फादर का सरगोधा से yes. इनके रूट्स ये सरगोधा से पहली दफ़ा सरगोधा आई और रियली मेरी बहन ही है और हमेशा रहेंगी और जब बंदा उस मट्टी में आता है ना बिलीव यू मी क्या साइज भी कहती है तो आपको ना अच्छी आप मतलब हेल्दी फील करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल और मामा आप देख रहे हो कितनी हेल्दी लग रही मैं आप जो है वो यकीन करिए कि लाहौर आई हूँ आफ्टर अबाउट 15-20 ईयर्स मुझे मैं बहुत वेगली आई रिमेंबर लाहौर मैं जितनी दिन सिटी में रही हूँ मुझे हीट की वजह से माइग्रेन या पोल्यूशन की वजह से मेरे सर में दर्द आज हम यहाँ जब आए हैं दोपहर में तो बहुत गर्मी थी आई फेल्ट वेरी हॉट लेकिन विद इन आधे घंटे में मेरा सर का दर्द गायब है हालांकि हम धूप में फिरे हैं जो है वो पूरे फील्ड्स हमने घूमे हैं इतनी जो है वो पूरे क्रॉप्स थे ऑर्गेनिक हम जो है पानी में भी गए हैं ट्रैक्टर पूरा घूमी हूँ इन द हीट लेकिन मुझे सर का दर्द नहीं है मतलब इट्स वेरी रिफ्रेशिंग जिसे कहते हैं ना लगता है बॉडी डिटॉक्स हो गई yes, yes, yes. It is a natural organic detox basically. यहाँ की हवा पानी भिंडी जो खाई है ना मैंने भिंडी भी खाई है कच्ची भिंडी भी खाई है और वो जो वाटरमेलन और वो छोटा मेलन ड्यू बेबी मेलन ड्यू को क्या कहते हैं उसको पंजाबी में कहते हैं चिब्बड़ 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 का जो मजा है कमाल है छोटे बंदों को भी यहाँ कहते हैं वो चिब्बड़ बस एक्सीलेंट आपने तो चले जाना कनाडा अब मेरे दोस्तों ने मुझे कहना चले बिल्कुल चलेंगे हम कनाडा मिलेंगे ना दोबारा बात नहीं समझ रहे कि मेरे दोनों कहने चले फार्म हाउस पे फार्म हाउस पे चले हमें भी चिल करवाएंगे नहीं इसके कॉपीराइट्स हम लेके जा रहे हैं जो भी आपने किए पहला यहाँ पे और मैं ये चाहता हूँ कि आज आप भी एक छोटा सा गाना सुनाएंगे मलकू साहब के सामने और मलकू साहब भी सुनाएंगे तो आप देखें आपस में आप कौन कौन से गाना सुनाते हैं मैं जो है वो इनके सामने बिल्कुल मैं तो गुनगुनाती हूँ शौकिया तो मैं तो जो है वो कान जो है पकड़ लूँ अपने काला चश्मा होना चाहिए बल्कि ये मैडम आप जरा काला चश्मा लगा मजा आएगा हमारा बहुत बजट है प्रॉप्स हमारे पास है बहुत नहीं असल प्रॉप्स आजकल बड़े सड़कों पे बिक रहे हैं पठान 150 शुरू होता है 17-15 बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ये तो आर्ट तो शुरू हो गया तो जी जी ऐसा ही जी सर काला चश्मा तू यार ना लायो अगे केड़ा घटे सोने ओए अगे केड़ा घटे सोने साढ़े दिल ते ना तीर चला साढ़े दिल ते ना तीर चला ओए अगे केड़ा घटे सोने क्या ओए अगे केड़ा घटे सोने क्या बात है क्या बात है क्या बात है जबरदस्त मलकू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमने बड़ा एंजॉय किया आपके गांव में आपके फार्म हाउस के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे सुपरस्टार साथ हैं आपको मौका मिले थोड़ा सा आप भी सुनाइए चलें फिर जो ये बोलेंगे मैं वो
सुना देती हूँ अपनी कुछ पसंद का जो मुझे शायद आता हो। ओए होए। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हम अपने सुर में गाते हैं हर प्यासू मुझे मेरे गाय गाय जी आप गाइए। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है क्या बात है क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। आज हमने बड़ा एंजॉय किया मलकू भाई के साथ, आज सारा दिन हमने गुजारा। लेकिन जो लोग हमें कनाडा में देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने जा रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला मलकू भाई अगस्त के एंड के ऊपर इंशाल्लाह कनाडा आ रहे हैं हमारे साथ। आप सब ने एंजॉय करना है, मलकू भाई का इंतजार करना है और आप लोग बहुत मजे करने वाले हैं क्योंकि मलकू भाई काफी देर के बाद जाएंगे। मैं काफी 8 साल के बाद जा रहा हूँ जी, और क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिजी होता हूँ तो इतनी अटैचमेंट हो गई है, बिलीव यू मी ऐसे पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या बात है, नहीं मजा आएगा और आपको मजा आएगा और नया गाना भी इंशाल्लाह मैं आपको। मेरे ख्याल से आपके चाहने वाले यहाँ इतने हैं जितना मैं आपके साथ रही हूँ, हम लोग एक दो दफा वैसे भी मिले, इतने इनके चाहने वाले हैं कि इनको ये मुल्क छोड़ता ही नहीं है। ऐसे ही है लेकिन हम इनको चुरा के लेके आएंगे कि थोड़ी जो है वो मोहब्बत हम वहाँ पे भी इनको दे सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि लाइव सिंगिंग होगी, आपको बहुत सुना होगा लेकिन आपको जो अपना कल्चर है वो मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। परदेसिया छेती घर आयो निकी गई, तेरी यादा च गलियां च भौंदी फिरा, तेरे फोटो मैं चुम चुम के रोंदी फिरा, परदेसिया छेती घर आयो निकी गई, कोई कणका दे वड माया रोजी सोना रब देसी परदेस तू छड माया। क्या बात है, पहला हरी दी उत्ते आंदा ओ जरूर सी, मैं भी मजबूर सा ते ओ भी मजबूर सी, हुण बुलेंदा भी नहीं कई डसेंदा भी नहीं, गल्ला मिठिया ओ मेरे ना करेंदा भी नहीं, परदेसिया छेती घर आयो निकी दागे। वाहमा जी दो लाइनें आपके जीजू के लिए। जी जी बिल्कुल, वो सुरीले आदमी है जी, बिल्कुल वो बहुत ही खुश होंगे। नो मिनता दे नाल माया रोक दी मैं रहीया, ओ मिनता दे नाल माया रोक दी मैं रहीया, हाथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईया, ओ मिनता दे नाल माया रोक दी मैं रहीया। मैं अपने जीजू की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना दिल खुश हो जाएगा सुन के। थैंक यू, क्या बात क्या बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे नाज़रीन इस तो पूरी दुनिया में जितने देख रहे हैं जी, आप सिर्फ इसको इतना कह दें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अनुराग दा वास्ता स्कोप 360 नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म होगा न्यू सिंगर्स के लिए भी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा म्यूजिक का काम भी इस पे होना है, तो आप रब्ता करें, लाइक करें, अपने नंबर छोड़ें और इंशाल्लाह अच्छा म्यूजिक भी देंगे। थैंक यू।
जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का खूबसूरत प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि मेरे साथ आज पाकिस्तान के सुपरस्टार भंगड़ा स्टार जनाब मलकू साहब मौजूद थे। आपने उनका फार्म हाउस देखा, आपने इंजॉय किया, उन्होंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई और खूब मज़ा आया। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में किसी और फनकार के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है, ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें इतने खूबसूरत एटमॉस्फेयर से। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।